نحمده ونصلي على رسوله الكريم الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لقطة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين पहले इल्म के इजाफे की दुआ और फिर ये दुआ कि अल्लाह सुबहान तौफीक दें हर उस काम की जो आपको पसंद हो जिससे आप मोहब्बत करते हो और फिर ये दुआ कि अल्लाह ऐसी नज़र हमको दे दें कि जिसकी वजह से हम हक को हक ही देखें और हमें ये तोफीक दें कि हम उसको फॉलो करें और बातिल और घटिया और गंदी चीज हमको वैसी नजर आए जैसी वो है और हमें ये तोफीक दें कि हम उससे बच जाएं हम उससे इज्तनाप करें ये काम तब तक नहीं हो सकता जब तक के इल्म ना हो इल्म के बगैर आप चीजों को आ, वो जो डिस्टिंग्विश कर सकता है ना बंदा और समझ सकता है कि क्या इसमें गलती है और ये ये गलत है और ये सही है उसका फैसला नहीं कर सकता इंसान इल्म के बगैर इल्म के बगैर गलत फैसले करता है इंसान गलत चीज को अडॉप्ट कर लेता है बुरी चीज को अच्छा समझने लग जाता है और फिर अपने पैसे का अपनी जान का अपने वक्त का अपनी उम्र का नुकसान करता है तो जिस दिन हमारे दिल के अंदर ये शौक पैदा हो गया ना कि हम अपने इल्म में इजाफे की दुआ करें अल्लाह ताला से और इल्म में इजाफे की कोशिशें करें उस दिन से हमारी असल कहानी शुरू होगी हम सारी जिंदगी भटकते रहते हैं और सारी जिंदगी नुकसान करते रहते हैं अपना वाल आज इन इंसान अलफर अल्लाह ताला कहते हैं कि जमाने की कसम है कि सब इंसान किसमें खसारे में नुकसान में से कोई भी चीज के बगैर नहीं हो सकती ईमान के ईमान पढ़ते हैं समझते हैं उसको अंडरस्टैंड करते हैं अमले साली आप कब कर सकते हैं जब आपके पास इल्म हो कि कौन सी चीज अमले के अंदर आ, शामिल है लोगों को भलाई का हुक्म हक का हुक्म लोगों को सब्र का हुक्म हम बिल्कुल उल्टे मशवरे देते हैं अगर इल्म नहीं होता तो बिल्कुल उल्टे मशवरे देते हैं लोगों को और उनकी जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं और समझते ही नहीं कि हमारे मशवरे की वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद हुई तो ये चीजें बहुत जरूरी है मेरी प्यारी जब पूछने अख्लाक पढ़ रहे हैं तो अपने अमल की तब्दीली के लिए सबसे पहले हमने दुआ करनी होती है दुआ के जरिए से हमारे किसी भी चीज को किसी भी काम को देखने का अंदाज फर्क हो जाता है और फिर देखिए आप कितनी चीजें है ना जो आपकी जिंदगी में आपकी भलाई के लिए अल्लाह ताला ने आपको कही है कि ये करें लेकिन चूंकि हमारे पास इल्म नहीं है तो हम उस चीज को अपने लिए बुरा समझते हैं बोझल समझते हैं बर्डन समझते हैं और सारी जिंदगी समझते रहते हैं जब तक कि इल्म नहीं आता कि ये क्यों अल्लाह ने कहा था हमको और जैसे ही इल्म मिलता है तो एकदम इंसान कहता है अल्लाह अल्लाह ये तो मुझे पता ही नहीं था अब देखिए नमाज सच्ची सच्ची अपने दिल से पूछे कितने लोग हैं जो नमाज को बर्डन के तौर पे लेते हैं हम्म कितने लोग हैं जो नमाज को बर्डन के तौर पे एक फर्ज है एक बस अपने सर पर से चीज को उतारना है बस मैंने पढ़नी है और बस खत्म करनी है ओह फिर टाइम आ गया ओह ओह एक तो सर्दियों में एक के बाद एक नमाज का टाइम आ जाता है मजाक करते हैं ठट्ठे करते हैं ओ जी एक ही वजू में सारी नमाजें ये आपके एक एक देखने का अंदाज है और एक देखने का अंदाज क्या है अल्लाह से मुलाकात अल्लाह से मुलाकात सुबह <laughs> अल्लाह ने मुझे मुलाकात की इजाज़त दी है मुझे वक्त दिया है, अपॉइंटमेंट दी है बड़े लोगों की दुनिया में अपॉइंटमेंट कितनी मुश्किल मिलती है आज आपसे कहें प्राइम मिनिस्टर से कि वो आपको अपॉइंटमेंट दे दस हजार जगहों से गुजर के ईमेल कर ये कर वो कर और फिर उसके बाद आए और फिर आपको कितनी शान लगे कुछ लोग व्हाइट हाउस जाते हैं तो फिर कहते हैं कि भाई हम वाइट हाउस से फिर है।, क्या है वो लेकिन उनको लगता है ये बड़ी शान की बात है उधर जाने के लिए तैयारी होती है शौक होता है आपके पास यानी अगर इल्म हो तो पता चले कि अल्लाह ताला से दिल्ली में जा रही हूँ और ये कितनी प्यारी चीज है कितनी मेरी मुश्किलें आसान हो जाएंगी वो जो सब चीजों का मालिक है उसके पास में जा रही हूँ उससे कुछ मांगूंगी तो कभी भी वापस खाली हाथ तो नहीं पलटना और ये मेरे गुनाहों को धोगा धोएगा जो मैं पैसे दे कर भी अपने गुनाह किस से माफ तो नहीं करवा सकती और अल्लाह तला मेरे गुनाहों को बख्श देगा आपको पता है कि एक बंदा कबीरा गुनाह करके और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था और वो सजा चाह रहा था मुझे सजा दें तो रसूल अल्लाह ने फरमाया कि तुम नमाज पढ़ो और जब उसने नमाज पढ़ी फिर आया तो रसूल रसो ने फरमाया कि तुमने मुसलमानों के साथ पढ़ी है नमाज हाँ अल्लाह बख्श देता है जाओ अवॉइड कर रहे थे कि ये मुझे बताई ना मुख ना खोले अल्लाह ताला, ताला इसको बस बख्श दे इतनी बड़ी बड़ी बख्शिशें बट रही होती हैं उस वक्त अगर हमें ये पता चल जाए कि अल्लाह ताला का गिफ्ट है मैं गिफ्ट कैसे लेती हूं अगर कोई मुझे सूट का भी गिफ्ट देता है कोई छोटी सी भी चीज गिफ्ट करता है कोई स्वीट भी अपने हाथ में रख देता है तो हम कितनी खूबसूरती से कितने अच्छे तरीके से थैंक यू करके लेते हैं उसको ये तो नहीं कहते उफ, बर्टन फिर लू फिर लेने की बारी आ गई है मुझे फिर लेना पड़ेगा ऐसे कहते कोई अपने तोहफे को हम तो कहते हैं दस बंदे तोहफे क्या सौ बंदे तोहफे दें तो अल्लाह के तोहफों को हम तोहफे नहीं समझते शान नहीं समझते अपनी और उसको बर्डन समझ लें बच्चे अपने माँ बाप को बर्डन समझने लग जाते हैं हालांकि वो ही देखिए आप सोच सोच को बदले जैसे ही आपने सोच को बदला ना चीजें आपके लिए फर फर्क हो जाएंगी इट्स द वे यू परसीव थिंग्स जैसे अभी आ, किसी का ऑपरेशन था तो वो कहने लगी कि हाँ मुझे पता है सारे लोग कह रहे दर्द होगा लेकिन मुझे पता है कि मेरी ऑलरेडी हुए हुए ऑपरेशन लेकिन मैं ठीक हो जाती हूँ उसके बाद तो फिर बंदा ठीक होता है और आ, आराम मिलता है ये एक परफेक्टेक्टिव है और एक ये कि हाई मेरे ऊपर ये क्यों मुसीबतें आती हैं मेरे क्यों ऑपरेशन होते हैं जैसे आप सोचेंगे या तो आपकी सोच उन चीजों को आपके लिए खुशगवार बना देगी और या वो सोच आपकी जिंदगी को बोझल बना देगी सास ससुर को लोग सारी जिंदगी बोझ समझते, है समझते, है? समझते हैं कि नहीं समझते समझते हैं बोझ समझते हैं हालांकि वो अल्लाह सुबहान तला की तरफ से एक रहमत होती है रसुल्लाईफों की, की वजह से रिस्क दिए जाते हो तुम्हारे घर के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं जिनको तुम समझते हो कि ये बेकार हैं इनका कोई काम नहीं है हमारे सर पे बैठे हुए हैं और हमें एक्स्ट्रा काम करने पड़ते हैं इनकी खिदमत करनी पड़ती है उन लोगों की वजह से आपके घर के अंदर रेल पेल है आपको अल्लाह रिस्क दे रहा है आपको इज्जत मिल रही है आसानियाँ मिल रही हैं जिस दिन आपने अपने बड़ों को अपने लिए आसानी और रिस्क का सबब समझा तो आप आप उनकी इज्जत करने लग जाएंगे आप उनकी शुक्र गुजार होंगे वो आपसे कोई काम कहेंगे आप शुक्र गुजार होंगे तो कि, कि वो आपका शुक्रिया अदा करें आप कहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि आप हमारे घर में मौजूद है कि अल्लाह ताला की रहमतें हमारे पे नासिल हो रही हैं आपके घर में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी आपके हस्बैंड आपसे खुश हो जाएंगे वो माँ बाप खुश होकर आपको ढेरों ढेर दुआएं देंगे और आपके अपने बच्चे आपके फरमा हो जाएंगे लेकिन चूंकि हमारा सोचने का अंदाज फर्क है हम उनको बोझ समझते हैं उनकी हर बात को ताना समझते हैं और बर्डन समझते हैं तो फिर वो बर्डन ही बन जाते हैं। फिर आप उनकी उनसे फायदा नहीं उठा सकते और जब वो चले जाते हैं तो फिर दुख होता है, कि इतनी बड़ी है हमारे पास नियमते है।, है तो बंदा हैरान होता है कि नेमते चली के साथ ही वो सारी चीजें चली गई ये याद रखना चाहिए कि बूढ़े ज्यादा देर जिंदा नहीं रहते लेकिन वो बहुत बड़ा टेस्ट होता है हमारा बहुत बड़ा टेस्ट होता है कि हम कितने पानी में है पता चल जाता है उन्होंने तो चले जाना है लेकिन उस लोग तो अपने बच्चों को बेडन समझने लग जाते हैं छोटे चोट छोटे बच्चे तुमने तो मेरी जिंदगी मुसीबत कर दी है मैं किसी वक्त आराम नहीं कर सकती मैं कोई काम नहीं कर सकती ये हम इसलिए कह रहे होते कि हम नेकियों को कुछ खास नेकियां ही समझते हैं कि शायद लोग जैसे बाहर जा जा के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और सबका खैरात के काम कर रहे हैं शायद वो ही नेकी है और अगर वो मैं नहीं कर पा रही तो फिर मेरे जिम्मे मेरे हिस्से में कोई नेकी नहीं आई हालांकि हमारे आस पास हमारे घर के अंदर नेकियों की बहार आई होती है हम उठाना शुरू कर दें उन फूलों को चुनना शुरू कर दें तो हमारी ऐश हो जाए लेकिन हमारे सोचने का अंदाज फर्क है बच्चा रो रहा हो तड़प रहा हो कभी बीमार हो जाए अल्हमत तो अल्लाह अल्लाह तूने तो दिया तो हुआ ना इनकी आवाजों के साथ ही रौनक है ये गंद मचाते हैं तो बंदे हैं तो गंद मच रहे ना अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कुछ लोग घर के घर सोने हैं कोई भी नहीं है गंद मचाने वाला और वो कहते हैं हो कोई कोई शोर शराबा हो कोई घर में रौनक हो लेकिन उनके नहीं है। और जिनके है वो सारा दिन तड़पते रहते हैं कि क्यों है और ये नहीं समझते कि ये अल्लाह सुबहान तरफ से बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग है, वो को बर्डन समझने लग जाते तो इनशा बेत आज से हमने ये करना है कि हमने देखना है कि चीजों में अल्लाह की नेमतों को ढूंढना शुरू कर दें अपनी सोच को बदल दें और अपनी जिंदगी को खुशगवार कर लें आसान कर लें मजेदार कर लें ये हर बंदे के अपने ऊपर डिपेंड करता है ठीक है ना चल आज की हदीस हम पढ़ते हैं हम हमारा चैप्टर चल रहा है और ये लास्ट चैप्टर है अल्लाह इसके बाद हम कुछ और बुक शुरू करेंगे दिलों को नरम करना रिकाखुल को, रिकाखुल कुलूब पिछली दफा हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला किसी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि किसी बंदे के साथ अगर भलाई का इरादा करता है अल्लाह तला तो उसको इस्तेमाल कर लेता है तो साहब ने पूछा था कैसे इस्तेमाल कर लेता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रसोस ने फरमाया कि उसकी मौत से पहले उसको नेकमाल की तौफीक दे देता है अच्छा हमें अपनी मौत का वक्त नहीं पता और हमने ये सोचना है कि हम किस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं मैं हमेशा कहती हूँ लोग कहते हैं ना लोग हमें यूज करते हैं गुस्सा करती हैं औरतें लोग हमें यूज करते हैं तो मैं कहती यू मस्ट बी अ वेरी यूजफुल पर्सन दैट पीपल आर यूजिंग यू थिंक इट दिस वे यू मस्ट बी अ वेरी यूजफुल पर्सन अगर आप यूजलेस होते हैं, तो कोई भी आपको यूज ना करता तो हम ये सोचें हम किस चीज में यूज हो रहे हैं? नेकी के काम में भलाई के काम में लोगों की मदद के लिए हम अपनी टैलेंट्स को हम अपनी एबिलिटीज को किस काम में लगा रही है अगर वो एबिलिटीज काम में लगी हुई है अगर वो बेकार में जाया हो रही है तो अल्लाह से मांगे और अल्लाह ताला से दुआ करते रहे कि अल्लाह ताला मेरी हर चीज जो नेमत तूने मुझे दी है मुझे तौफीक दे कि मैं उसको अपनी जन्नत के रास्ते में इस्तेमाल कर सकूं आई होप कि हम सब ने ये चेक किया होगा कि हम किस तरह के काम कर रहे हैं आ, अपनी जिंदगी में अगली हदीस है टू आमिर सादिन, साद फी इबल, आमिर बिन साद कहते हैं कि साद बिन अपने ऊंटों में थे यानी उनकी खिदमत कर रहे थे ऊंटों के पास काम कर रहे थे और साद बिन अबी वकास के बारे में यानी अपने अबू के बारे में बता रहे हैं। आमिर बिन साद अपने अबू के बारे में बता रहे तो, आ जाए उनके पास उमर उनके बेटे फलमा फिर चबरा आहु साद उनको साद ने यानी वो सवार पे, सवारी करके आ रहे थे तेजी से घोड़े पर कहने लगे आऊद बिल्ला

और अपनी बकरियों में वर्क तनाजा और छोड़ दिया है आपने लोगों को होना झगड़ रहे हैं आपस में गवर्नमेंट के बारे में के बारे में हम आपस में यानी आके उनके बेटे ने कहा कि आप किन चीजों में बिजी हुए हैं कि लोग जो है बाहर वो हुकूमत के लिए लड़ रहे हैं और आप यहाँ पर बिजी हैं आपको भी उसी जगह पर होना चाहिए था फदारा तो बसाद तो मारा सा रजीलानों ने रही उनके सीने पे हाथ यानी ऐसे जैसे ठोका मारते फकला फिर कहा उसको चुप कर जाओ समय तो सुना था मैंने रसोलम से रसोल से यकोलू आप फरमाया करते थे इन अल्लाह बेश्ल तब आप मोहब्बत करता उस बंदे से अतिया जो मुतकी हो अलगनी जो बेपरवाह हो गनी हो, अलखफिया छुपा हुआ हो बहुत ही जबरदस्त किस्म की हदीस है और बहुत ही ज़्यादा सारे सबक हैं इसके अंदर. सबसे पहले तो ये देखें कि सात बिन अभी वकास कौन थे सात बिन अभी वकास अशरम बशरा में से वो लोग वो सहाबी जिनको दस सहाबी जिनको जन्नत की बशारत मिल थी और भी साहब को मिली थी लेकिन अशरफ मुबशर मशहूर है और ये इब्तदाई लोगों में से थे सबसे पहले मुसलमान होने वालों में से लकी पर आपको पता है वो कितनी एज थी जब वो मुसलमान हुए थे सबसे पहले मुसलमान होने वालों में से हजरत बकर सिद्दीक के बाद कहते हैं कि तीसरे बंदे थे या फिर सातवें बंदे थे जो मुसलमान हुए थे हजरत बकर सिद्दीक के कहने पर इन्होंने इस्लाम कबूल किया था और सत्रह अठारह साल के थे जी हम इस एज वाले बच्चों को क्या कहते हैं इनकी जो है ना हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम है अगर ये बदतमीजी करें बेअदबी करें बेसमझी करे बेअकली की बातें करे तो कोई इसको कुछ ना कहे नहीं इनका कोई इनका कोई कसूर नहीं है हम उनको कह कह, कह के बेकार और बदतमीज बना देते हैं और उनको अदब लिहाज नहीं सिखाते उनको ऐसी बातें कहते रहते हैं कि जिसकी वजह से वो और ज्यादा शेयर हो जाते हैं अपनी गलत बातों में तो ऐसी मिसालें उनको देनी चाहिए कि बेटा अक्ल वाले लोग थे जो रसूल की जिंदगी में कितना मुश्किल वो वक्त था जबकि वो तोहीद का पैगाम दे रहे थे जिस जगह पर तीन सौ साठ बुत पड़े थे और उनका कारोबार खूब जमा हुआ था और चल रहा था बुतों की वजह से चढ़ावे चढ़ते थे लोग आते थे बिजनेस होता था उस वक्त में अपनी हर चीज को दाव पर लगा के एक सेवनटीन या एटीन ईयर्स का लड़का इस्लाम कबूल करता है कॉन्शियस इस्लाम खुद से अपनी सोच से अपनी मर्जी से इस्लाम को कबूल करता है और सुबह अल्लाह आजकल भी ये मिसालें बहुत मिल रही हैं हमारे बच्चे जो पैदाइशी मुसलमान हैं वो क्या कर रहे हैं और आप जरा देखें कि इस वक्त जो दुनिया में इस्लाम कबूल करने का रेशो कितना बढ़ गया और वो यूथ इस्लाम कबूल कर रही है जो रियलाइज कर रही है कि इस्लाम ही जो है ना वो हक है तो ऐसी मिसालें देनी चाहिए कि बेटे ये देखो उस वक्त में भी इन लोगों ने इस्लाम को कबूल किया और ये देखो ये लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं हम क्यों इस्लाम से दूर हैं, हम क्यों नहीं सीखते हम क्यों नहीं समझते तो साध नबी वकास सेवनटीन या एटीन ईयर्स के थे जब वो मुसलमान और इनका बड़ा मशहूर वाक्य है ना वो है, इनकी अम्मी ने इनकी अम्मी इनसे बहुत प्यार करती थी और ये अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे तो जब उन्होंने सुना था कि मुसलमान तो उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था और धूप में बैठ गई थी कि बस इसमें मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं पानी नहीं पीऊंगी खाना नहीं खाऊंगी जब तक तुम इस्लाम को छोड़ नहीं देते तो ये कहते रहे थे और उसके बाद इन्होंने कहा था कि माँ जी आपसे तो मुझे प्यार है लेकिन मुझे दीन इस्लाम से आपसे भी ज्यादा प्यार है अगर आपकी जिस समय एक जान है अगर ये सो जाने पीएगी और वो चली जाएंगी तो मैं दीन नहीं छोड़ने वाला तो उनकी माँ को पता चल गया था कि ये अः बहुत अः डिटर्मेंट है अपने उसमें और ये बड़े स्टेड फास्ट है तो उन्होंने फिर खाना पीना शुरू कर दिया था और आपको पता सात बिना अब वकास सबसे पहले बंदे थे जिन्होंने इस्लाम के रास्ते में खून बहाया था यानी एक दफा मुसलमान छुप के नमाज पढ़ रहे थे जब मक्का में बहुत जुल्म जुल्म हो हो रहा था। हो रहा था था बहुत मुसलमानों के ऊपर ये नहीं पढ़ सकते थे नमाज तो छुप के कहीं नमाज पढ़ रहे थे तो कोई लोग आ गए थे और उन्होंने मजाक करने शुरू कर दिए थे और उनको तंग करना शुरू किया था तो इन्होंने हड्डी उठा के मारी थी उस बंदे को जो बहुत तंग कर रहा था और उसका खून निकला था तो फिर कहा था कि सबसे पहला जिसने इस्लाम की खातिर खून बहाया वो हजरत साद बिन नबी बकास थे और ये बदरी साहबा भी थे साहबा में से थे बदरी साहबा के बारे में क्या है कि रसुल्ला ने फरमाया था कि उनको अल्लाह तला ने बख्श दिया क्योंकि वो सबसे ज्यादा ऐसा टाइम था जिसमें आपको वापसी की कोई उम्मीद नहीं थी कि कुछ मिलेगा भी आप नहीं देख सकते थे कि इस्लाम इतनी तरक्की करेगा वो सिर्फ कुरबानी का वक्त था उस वक्त में एक यंग बच्चा जो है वो इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ देता है हम्म और उन्होंने जाके जंग लड़ी थी और जंग के ओहद में अगर आपको याद हो तो ए, ये तीर मार रहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे खड़े थे और तीर मार रहे थे तो रसुल इनको तीर पकड़ा रहे थे और कह रहे थे साथ मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान तीर चलाओ क्योंकि ये बहुत अच्छे तीर अंदाज थे हुं? हम हम कहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये क्यों कहा आप नहीं कहते माँ सदके माँ कुर्बान नहीं कहते कहते हैं ना फ्रेजेज होते हैं ना मोहब्बत के इजहार के जैसे आप कहते हैं मैं सदके जाऊं हम तो उस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा था और उनके अलावा किसी और के लिए ये वर्ड्स यूज नहीं किए थे तो ये बहुत बहादुर और बहुत गैरत वाले थे ये बेहतर रिजवान में भी शामिल थे सुले हुदैबिया जब हुई थी ना जब मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे अः उमरा करने के लिए तो उस वक्त में क्या हुआ था कि अः मक्का ने रोक दिया था और ये कहा था कि आप नहीं एंटर हो सकते मक्का में तो उस वक्त सुलह हुदैबिया हुई थी और जब सुले वो हजरत उस्मान बात करने के लिए मुश्किली ने मक्का से मक्का के अंदर गए थे तो मशहूर हो गया कि हजरत उस्मान को शहीद कर दिया उन लोगों ने थोड़ी देर हो गई थी तो तो उस वक्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त के नीचे सब मुसलमानों से बैत ली थी जान के ऊपर कि आज हम उस्मान का बदला लेकर जाएंगे यानी इसका मतलब था कि मरना है आपने और इन सब ने बैत की थी और उसमें साथ में नबी वकास भी शामिल थे अच्छा फतेह के मौके पर ये निकले तो थे साथ लेकिन उसमें शामिल नहीं हो सके थे उसमें यानी लश्कर में क्योंकि बहुत सख बीमार हो गए थे आपको याद है हमने ये भी हदीस पढ़ी हुई है कि हजरत सात ने रसुल्ला से पूछा था कि मैं मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है मैं बहुत अमीर हूँ और मेरी एक ही बेटी है तो मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ कि उसको सारा का सारा अपना वो दे दू माल सारा का सारा सदका कर दू तो फरमाया था नहीं उन्होंने कहा था आधा करूं तो आपने कहा था नहीं उन्होंने कहा था कि फिर तीसरा हिस्सा और वो भी बहुत है उसके बाद साधबी नबी वकास सही हो गए थे सेहतमंद हो गए थे और बहुत लंबी जिंदगी पाई थी एटी ईयर्स एटी टू ईयर्स की बाद में इनके बहुत यानी उनके जारा बच्चे भी हुए होंगे वो वो वक्त में वो समझे थे कि मैं फौत होने लगा हूँ और ये वो हैं जिन्होंने एक जंग में जब ये गए थे तो यानी जंग में जाके उधर भी बीमार हो गए थे तो एक ऊंची बिल्डिंग पे बैठ के और ये देखते रहे बीमारी की हालत में भी और लिख लिख के अपनी इंस्ट्रक्शंस भेजते थे उनको और बताते थे कि अब कौन आ, क्या एक्शन करना है क्या चीज करनी है और ईरानियों से भी इनका मुकाबला हुआ था इन्होंने काफी सारे आ, जंगों में हिस्सा लिया था बहादुर इंसान थे और ये ईरानियों के पास जब गए थे ना तो जब इन्होंने घोड़े अपने आ, डाल दिए थे पानी के बीच में दरिया के बीच में तो उन वो ईरानी भागे थे डर के और कहा था दियो अहमद दियो अहमद ये ये भी सच्चा वाक्य कि उन्होंने कहा था ये दियो आ गए ये जिन है इनको किसी चीज का डर ही नहीं है और ये हमारे पीछे पानी के बीच में भी कूद पड़े और साथ में ये कि इन्होंने आ, कुफ, आ, कुफा आबाद किया था यानी वो शहर बनाया था पूरा का पूरा शहर बनाया था नए सिरे से फ्रॉम द स्क्रैच क्योंकि इन्होंने कोई फतह की थी मदायन में और वहां का आ, जो एटमोसफियर है वो जो उनका वो था आ, आ, सूट नहीं किया था इनको वो शहर तो इन्होंने हजरत अः उमर तला ने, ने से कहा था कि इस तरह साइड पे जाके तो किसी जगह पर फौज को ठहराओ जब उन्होंने ठहराया तो उस जगह पर एक शहर को आबाद किया और उसमें अपने पैसे लगा कर भी आ, काम किया तो ये सारी इनकी जिंदगी है अब आप देखिए कि ये आ, जब उमर रती के दौर में इनको माजूल किया गया था ये कोफा में ही थे तो लोगों ने इनकी शिकायत की थी कि ये सही नमाज नहीं पढ़ाते तो हजरत उमर ने इनको माजूल किया और लेकर आए कि लोग लोग अब शिकायत कर रहे हैं। और बात में पता चला था कि शिकायत जो है वो गलत थी वो सही नमाज पढ़ाते थे लेकिन कुफा के लोग मशहूर हैं इस चीज के लिए कि वो तंग करते हैं वो गोदर करते हैं लोगों को अच्छा अब ये कि आप देख लें कि इनको अल्लाह तला ने कैसे इस्तेमाल किया और इन्होंने किसी भी जगह पर यह दो दफा माजूल हुए थे और ये भी वो टाइम था ये जो हदीस है ना कि जब इनके बेटे इनके पास आए और उन्होंने उनको कहा कि आप पर पर बैठे हैं लोग वहां पर। वो वो वक्त था जब उमर ताला को अब ने चाकू मारा था और हजरत उमर ने जिन छे लोगों का नाम दिया था हुकूमत यानी खलीफा बनने के लिए उनमें बिन सादबिन नबी का भी नाम था ठीक है ना तो अब क्या हुआ कि वहां पर बहस मुबाहिसा चल रहा था और हजरत सात बिन अपनी वकास आराम से चुप करके अपने घर अपने अस्तबल में अपने ऊंटों को मालिश कर रहे थे तो उनके बेटे आकर उनसे कह रहे हैं कि यू आर सो टैलेंटेड यू डिजर्व टू बिकम अ खलीफा एंड देर आर सो मच गोइंग आप इधर क्या कर रहे हैं अब हम ये देखते हैं कि साथ में अभी वकास रजी की पर्सनैलिटी क्या थी कि उनकी सोच क्या थी कह रहे हैं कि इन, मैंने रसूल से ये सुना है कि अल्लाह को किस बंदे से मोहब्बत होती है जो तकवा वाला हो जो अल्लाह से डरने वाला हो हम्म जो बेपरवाह हो गनी यानी उसको किसी चीज की तलब ना हो दुनिया की तलब ना हो होदे की तलब ना हो बेपरवाह हो मिलता है मिले नहीं मिलता तो कोई बात नहीं हम्म और खफी छुपा हुआ अपने यानी लोगों के सामने स्पॉटलाइट में आने का शौक ना हो कि मैं हर वक्त स्पॉटलाइट में रहूं लोग बस मुझे ही देखते रहें मेरी ही तारीफ करते रहें नोटिस करें तो सिर्फ बस मुझे ही को मुझे ही को करें हुँ? सुबहान अल्लाह जरा इनके कारनामे देखें कि इन्होंने क्या क्या किया हुआ था एक इनके बारे में मशहूर है कि जब ये खुसरू के पास ईरानी बादशाह जो था ये गए हुए थे उस एक्सपेडिशन पे और इन्होंने अपना एलची भेजा था यानी अपना एम्बेसडर भेजा था आई थिंक जैद बिन थे तो वो जब गए तो खुसरू ने उनको आ, क्या कहना चाहिए उनके लिए डिसरिस्पेक्ट शो की थी उनका मजाक उड़ाया था और कहा था कि जाओ बाहर से मट्टी का टोकरा लेकर आओ और इसके सर पर देकर भेजो यानी एक जिलत का साइन कि तुम क्या सोच रहे हो कि तुम हमारे पे हुकूमत करोगे ये मट्टी तुम उठाओ तुम इस काबिल हो तो जब और वो टोकरा उनको उठाना पड़ा था वो उठाकर जब हजरत बिन नबी वकास के पास आए तो हजरत साहब ने कहा कि माशाल्लाह वाह वाह अपनी जमीन तो उन्होंने हमको खुद ही दे दी जस्ट <laughs> इमेजिन कि उनकी सोच क्या थी अभी मैंने आपको शुरू में क्या कहा है आपकी सोच से आपकी जिंदगी बदल जाएगी एक सोच ये हो सकती थी कि साथ भी न अभी, अभी वकास कहते इतनी बेजती हम नहीं सह सकते ये बहुत बड़ी बेजती की बात है कि हमारे इलची को उसने मट्टी उठवाई और टोकरा उठवाया और वो भी सर पे और एक बात ये थी कि वाह वाह जी ऐश हो गई अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके ऊपर क्या आए चढ़ा चढ़ाई करें इन्होंने खुद ही अपनी मट्टी हमारे 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 हवाले अपनी ज़मीन और जब को जाके बताया उन जो साथ आए थे जो उनको वर मेकिंग हिम टेक दैट वो मट्टी उठाने के लिए उनको लेकर आए थे जब उन्होंने वापस जाके तो खुसरो को बताया कि Uh, साथ में नफ भी विकास ने तो ये कहा है कि आपने मट्टी दी है इसका मतलब है आपकी जमीन हमारी हो गई है तो खुसरू ने बाप भिजवाए बंदे के जाओ और वो टोकरा वापस लेकर आओ <laughs> उसको जैसे वो शगुन लगता है ना गुमान लगा के आओ हो वाकई ऐसा ही ना हो रहा है सही हुआ कि जमीन मुसलमानों की ही हाथ आई ये वो खुसरू था कि जब ए, इनकी लड़ाई हुई मुसलमानों के साथ तो उसका हीरो का ताज और साठ गज लंबी उसकी कारपेट थी जिसपे जैसे रेड कारपेट वेलकम नहीं करते लोग तो उसकी कारपेट थी जिसपे हीरे जड़े हुए थे वो भी मुसलमानों को मिल गई थी हम्म तो असल में बात यह कि देखिए कौन से लोग बड़े काम कर सकते हैं हम्म आप मुझे बताएं कौन से लोग बड़े काम कर सकते हैं जो लोगों की छोटी छोटी बातों के ऊपर कुड़ने नहीं लग जाते उसने मुझे ये क्यों कहा उसने मुझे ताना दिया उसने मुझे मेरी बेजती कर दी उसने अगर आप मैं 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 के हॉल में रहेंगे तो आप कभी भी बड़ा काम नहीं कर सकते जिसको इग्नोर करना नहीं आता यानी आप अपनी जात के हॉल से तो बाहर निकले ना हर वक्त अपने शीशा देखा तो अपना सोच है तो अपनी मैं मी माय आए बस हर वक्त यही तो जिस दिन हमने इस हॉल को तोड़ा ना तो हम बड़े बड़े काम करने लग जाएंगे और जो बस बातों में ही लगे रहते हैं मेरी नंद मेरी सास मेरा देवर ये वो मेरी माँ मेरी बहन उनकी इज्जत हो नहीं हुई तो इनकी इज्जत हो गई और ये और वो ये छोटे छोटे पैटी इश्यूज में सारी जिंदगी हम गवा देते हैं असल में इज्जत हमारी वजह से हमारे खानदान की होनी है हम टसल करते हैं ना जबरदस्तियां कर करके इज्जत दिलाने की कोशिश करते हैं एकदम अपने आप को ढीला छोड़ देना चाहिए कि मेरे माँ बाप इज्जत वाले हैं और उनको इज्जत मिलेगी लेकिन कैसे मेरे अमल से मेरे अखलाक से आज मैं अगर एक कड़वी बात सह कर और वापस जवाब अच्छे तरीके से दूंगी तो ये लोग कहेंगे कि ये किस माँ की बच्ची है उस माँ ने कैसी इसकी अच्छी तरबियत की है कि इसने मेरी इतनी बात बुरी बात सुनी लेकिन आगे से जवाब नहीं दिया कैसी अच्छी माँ बाप है जिन्होंने कितनी अच्छी तरबियत की है तो असल में तो यानी हम वो असल जड़ नहीं देखते कि जड़ पर काम होना चाहिए हम ऊपरी ऊपरी और शैलो बातों के बीच में सारी जिंदगी सारी जिंदगी औरतों की ना बर्बाद हो जाती है इस लड़ाई के अंदर मेरे माँ बाप तेरे माँ बाप मेरे माँ बाप तेरे माँ बाप ना खुद खुश रखते रहते हैं ना हस्बैंड को खुश होने देते हैं और ना ही अपने अः माँ बाप को खुश होने देते हैं जाहिर है घर में लड़ाई हो रही है तो फिर फर्स्ट कॉल किसको जाती है अम्मी को अम्मी आज मेरे हस्बैंड ने ये कह दिया तो वो कह दिया बहुत रो रही हूँ मैं कहती हूँ अल्लाह के वास्ते छोड़ दें अपने माँ बाप को सुकून में रहने दें उनको अच्छी बातें बताएं थोड़ी देर के बाद अभी आप रो रो के अम्मी को कह रही हैं थोड़ी देर के बाद आइसक्रीम खाने के लिए अपने हस्बैंड के साथ चली जाती हैं वो आपको मना लेती हैं और आप हंस रही होती हैं उस वक्त तो आप कॉल नहीं करते कि मैं आप बड़ी खुश हो गई हूं लेकिन जो रोना धोना है वो अपने माँ बाप को बता देते हैं बुढ़ापे में भी उनकी जान नहीं छोड़ते बुढ़ापे में भी उनकी जान नहीं छोड़ते कि चलो अब तो सुख दे दें जब तक वो उनके घर थे फिक्रे 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 इनकी शादियां हो इनकी शादियां हो शादी में क्या लेना है क्या देना है फिक्र ही करते रहते हैं अब जब आप अपने घर में आ गए हैं तो अल्लाह के वास्ते उनकी जान को छोड़ दें और उनको अच्छी बातें बताएं अम्मी मैं बहुत खुश हूं अम्मी बहुत अच्छे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजारा हो रहा है शुक्र गुजारों को और मिलता है लाइन अल्लाह तला कहते हैं अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा तो बिल्कुल सोच बदलने की बात है सोच बदलने की बात है नीड टू थिंक अबाउट इट बिकॉज वी आर वेस्टिंग आवर लाइव फॉर दिस थिंग हमारी आ, ये मेंटेलिटी जो पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश इन इलाकों की है ये बदलने की जरूरत है ताकि हम कहीं आगे बढ़ पता क्या होता है हम इन चक्करों में पड़े होते हैं हमारे बच्चों की तरबियत ही नहीं होती वो जो रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगली नस्ल को आपने संवारना है वो तो आप सवारते ही नहीं आप तो अपने बच्चों के आगे भी रोते रहते हैं और फिर बच्चों से जासूसियां करवाते उधर जाके देखो दादी क्या कह रही है उसको उधर जाके देखो पप्पो क्या कर रही है डैडी को क्या कह रही है अस्तकिन इन चीजों का क्या फायदा है? हर वक्त अपने आप से सवाल करें हर वक्त सवाल करें मेरे इस अमल का क्या फायदा है मुझे मेरी जिंदगी में कौन सी खुशगवार तब्दीली आ जाएगी मैं कौन सी बहुत बड़ी नेकी कर रही हूँ ये काम करके अल्लाह खुश है मुझसे ये मैं काम कर रही हूँ तो अल्लाह तला खुश है मुझसे अल्लाह तला ने तो कुरानी पाक में क्या भला तजस तजसुस ना करो क्योंकि तजस तुम्हें तो नुकसान देगा आप तो तजसूस करेंगे तो वो बात वो जो छुपी हुई है और आपके ताल्लुक ठीक है वो खराब हो जाएंगे उस तजसूस की वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कोई गलत वर्ड आपको पता चल डोंट डू दैट तो सारी जिंदगियां इस चीज में खपा के लड़ाइया कर, 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 कर के आखिर में क्या होता है वो मर ही जाते हैं सासूसर फौत हो जाते हैं ना हसबेंड को नेकी करने दी माँ बाप की खिदमत करके ना खुद उनसे दुआएं ली और वो दो जन्नत के दरवाजे बंद हो गए और ऊपर से कहती क्या हमारे ऊपर तो कोई जिम्मेदारी नहीं है उसके माँ बाप की अल्लाह ने कोई फर्ज थोड़ी किया है तो फिर ठीक है आपकी भाभी के ऊपर भी फर्ज नहीं है कि आपके अम्मी अबू की ख्याल करे वो लेट्स थिंक लाइक दैट उस वक्त तो जान निकल जाती है अल्लाह भाभी ने अम्मी को ये कह दिया भाभी ने अम्मी को चाय नहीं पिलाई अम्मी बेचारी इंतजार करती रही और आप आप क्या कर रहे हैं आप अपनी मां समझे ना उनको आप ये सोचे कि आज मैं अपनी सास की खिदमत करूंगी वो मेरी मां के दर्जे पे आ गई है उसने अपना पला पलाया पूत आपके हवाले कर दिया है तो उसका तो डबल हक बन गया आप उनकी खिदमत करके उनकी दुआएं लेकर अपने बच्चों से खैर समेटें ये साइकिल चलती रहेगी आज आप उनकी खिदमत करेंगी कल आपके बच्चे आपकी खिदमत करेंगे लेकिन हम ये नहीं सोचते हमारी सोच फर्क है हमने अपनी सोच पे काम करना है अल्लाह करे कि हम आ, आ, अलर्ट हो जाएं हमारे दिल को एनक लग जाए हकीकत की

आपकी जिंदगी वैसी ही हो जाएगी आपके बच्चे देखेंगे कि आप खिदमत करती हैं आप बुराई का बदला भलाई से देती हैं आपको दुआएं मिलती हैं तो वो आपके माँ बाप को आइडियलाइज करेंगे कि वाओ दिस इज अ गुड डीड ये गुड डीड होता होता है मेरी अम्मी सुबह दोपहर शाम अपने माँ बाप की इज्जत करती है उनकी अब हमें भी इज्जत सिखाती है कि बेटे दादा दादी को सलाम करके आओ तब फिर इधर आना उठो यहां से उनको बैठने की जगह दो उठो जल्दी से जल्दी उठो और अगर हल्का सा कोई दादा दादी कहते हैं कि पानी चाहिए तो भागो भागो जल्दी करो ना पानी पिलाओ ये नेकियां हैं हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं तो जब तक सोच नहीं बदलेगी जब तक सोच नहीं बदलेगी जब तक किसी चीजों को देखने का अंदाज नहीं फर्क होगा अब से आपने क्या करना है नेकी का मौका समझना है कोई आपको कोई काम कह देना ये पका दे अल्लाह अभी तो खाना पका के अटी अब फिर फिर ये करूं तो कहीं फिर नेकी का मौका मिल गया अलहमदुल्ला फिर नेकी का मौका मिल गया अल्लाह तेरा शुक्र है इस तरह क्या नहीं लग जाए ना तो फिर आपको उसमें मजा भी आएगा फिर आप खाना पका रही होंगी तो आप कहेंगी हम्म ये जन्नत में ले जाने वाले कामों में से है चाहे मुझे नहीं अच्छा लगता पकाना पर मैं जन्नत में जाऊंगी ये के सफाई अल्लाह को पसंद है शत्रु हाफ फेथ शत्रिनेस सफाइया करो जी रगड़ रगड़ के करो अल्हम्दुलिल्लाह जितनी थकूंगी उतना अजर और सवाब मिल रहा है मुझे रिश्तेदारों से मिलना सिले रहमी से रिस्क में इजाफा होता है और उम्र लंबी होती है अल्हम्दुलिल्लाह जरूर मिलूंगी मैं अपने रिश्तेदारों से मैं अपनी नंदों से मिलूंगी अपनी सास ससुर से भी मिलूंगी अपने माँ बाप से मिलूंगी अपने बहन भाइयों से मिलूंगी ये मेरी जिंदगी में मेरी जिंदगी में बरकत डाल रहे हैं मेरे रिस्क में बरकत डाल रहे हैं मैं नियत करें चीजों की नियत करें कल हम किसी फंक्शन पे था। तो मैं यही बता रही थी कि देखिए हम सब इकट्ठे हुए हैं इस मोहब्बत में कि बच्चों की शादी हो रही है अल्लाह की खातिर अल्लाह की खातिर दूसरों की खुशी में खुश हो रहे हैं हम नियत करें ताकि आप उसका, आपको उसका जर मिले ये ना कहा करें उसने मेरी दावत की तो मैं आप उसकी दावत कर रही हूं ये तो बदला हो गया ना आपके अल्लाह की खातिर मैं इनको खाना खिलाऊंगी कि अल्लाह मैं इनको खाना खिलाऊं इनके जिसम के अंदर ये ताकत चाहिए तेरी फरमाबरदारी बरदारी करें तो मुझे फायदा हो तो हर चीज में हर चीज़ में हर काम में अपनी सोच को बदल ले और आप देखिएगा कि आ, आप खुद कितना सुकून महसूस करती हैं देखिए अगर आप चिढ़ जाएं आप मुझे बताएं आप चिढ़ गए किसी बात से आपने भी खाना पकाया और आपके सुसर आए और उन्होंने कहा कि बेटे जरा दो कप चाय बना तो मेरे साथ मेरा दोस्त आए या अबू अबू कर ले अबू ने कह दिया और आपने कहा अबू अभी मैं खाना पका के मैं बहुत साथ हूं ये क्या मुसीबत है अभी सफाई की अब आपने फिर मुझे क्या दिया एक ये है आप ना करके भी बेचैन रहेंगी आप बेचैन रहेंगी अगर कोई बेदबी कर देती है या चिड़चिड़ापन जा कर देती है वो चिड़चिड़ापन अंदर जाके आपको चिड़चिड़ी करता रहेगा बॉदर करेगा पिंच करेगा लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा रखा है कि नेकी करने से सुकून मिलता है ये आपने पीछे अभी हदीस पढ़ी थी ना कि जो तुम्हारे नेकी करके तुमको सुकून मिले तो तुम्हें तुम्हारे में ईमान है तो जब आप दे देती हैं और थकी भी होती है तो वो थकावट भी आपको आपको स्माइल देती है कि मैंने किसी की मदद की है वाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे मैं भी सोने ही जा रही थी और अल्लाह ताला ने मुझे एक फिर नेकी का मौका दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह काम तो करना ही था चाहे आप चिड़के करें चाहे खुशी के साथ करें तो फिर अक्लमंद लोग तो खुशी के साथ करते हैं ताकि उसका उनको फायदा पहुंचे सही बात है ना तो अः ये भी देखना चाहिए अच्छा आप ये देखें कि हज़रत साथ बिन नबी वकास को ना हजरत उमर तक ने माजूल कर दिया था अब अभी सिर्फ इल्जाम लगा था यानी वो कंफर्म नहीं हुआ था कि वो सही कह रहे हैं और बाद में ये भी पता चला कि वो गलत कह रहे थे वो झूठा झूठी जूट, बात थी तो अपनी जिंदगी में इस चीज़ को याद रखें कि जिंदगी में ऊंच नीच आती रहती है और ऐसा होता है कि कभी आप, आप जो डिजर्व नहीं करते वो सिचुएशन आपके सामने आ जाती है तो तारीफ हो या तनकीद हो हर हाल में अपनी पर्सनैलिटी को संभाल कर रखना एकदम पलट के नहीं कहना एकदम पलट कर रिएक्ट करने वाले ना जैसे किसी से एक जनरल बात हो रही थी कि आप ये ना करें नहीं नहीं हम तो नहीं करते हम तो नहीं करते हमने कब किया आप मुझे बताएं कब आपने देखा मुझे करते नहीं जी आपको तो कोई कह ही नहीं रहा एक जनरल बात हो रही है ऐसा रिएक्शन जाहिर करने की क्या जरूरत थी हम्म तो ये जो फॉरन रिएक्ट करना है ना उसको जरा सा अपना होल्ड करें थोड़ी सी देर के लिए जब कोई कोई बात कर रहा हो ना क्योंकि जब आप फॉरन रिएक्ट करते हैं ना तो आपका दिमाग सोच नहीं रहा था प्रॉपर थिंकिंग प्रोसेस नहीं हुआ होता आप सोचें कि क्या जुमला बोला गया है किसके लिए बोला गया है आया मैं ही उसका हदफ हूँ अगर हूँ भी तो खामोशी के साथ मुझे पी जाना चाहिए और मुझे सोचना चाहिए कि हो सकता है मैं कुछ गलत कर रही हूँ और उन्होंने इनडायरेक्टली एक जनरल वे में एक बात कही है तो मैं उसके बारे में सोचू वजह इसके कि अपने आप को स्पॉटलाइट में ला के और बता दूं कि हाँ मैं ये करने वाली हूं और आपने मुझे ये बात कही है हुं? उस अपनी बस जिंदगी का ये मकसद बना ले के मैंने सोच पॉजिटिव रखनी है वसल्लम को पॉजिटिविटी बहुत अच्छी लगती थी बहुत पॉजिटिव थे कोई सदका मांगने के लिए आता था तो खुश होके अपने साहबा से कहते थे आप भी इसकी सिफारिश करो मैं तो देने ही वाला हूं तो आप सिफारिश करो ने? ये पॉजिटिविटी है ना कि सारे लोगों को नेकी में शामिल कर ले ये नहीं कि बस मैं दूंगी सदका बस कोई और ना थे सारा का सारा मैं ले जाऊं नहीं रसुल्ला अपने सारे सहाबों को शामिल करते वो कहते यार इसको दे दें तो फरमाते ठीक कितनी प्यारी बात है कितनी मीठी बात है हजरत सफिया जब रो रही थी और उन्होंने कहा था कि दूसरी जो अजवाज मतहरा में से किसी ने मुझे कहा है कि मैं यहूदी की बेटी हूँ तो रसुल्ला ने फरमाए हैं तो आपने आगे से क्यों नहीं कहा कि मेरा तो चाचा भी प्रॉफिट है मेरा तो बाप भी प्रॉफिट है मेरा तो हस्बैंड भी प्रॉफिट है मेरी तो शान ही नहीं री है आप क्यों रो आप तो खुश हो एकदम सोच को चेंज कर दिया जब बच्चे आपके पास रोते रोते आते हैं किसी चीज के लिए तो आप आगे से क्या करते हैं वैसे तो माए एक और लगा देती जब रोता हुआ बच्चा है तो रो क्यों रहे हो चुप करके बताओ आपने अगर एक और उसको मार दिया तो अब कैसे वो चुप करेगा भाई अब तो वो डबल रोएगा कि माँ भी मेरी सुनने वाली नहीं है कोई और भी नहीं सुन रहा मां भी नहीं सुन रही आप आराम से उसको गले से लगाएं उसका माथा चूमे उसके बाल सही करें उसके चेहरे के ऊपर हाथ फेरे पूछे क्या हो क्या क्या हो गया मेरे बेटे वो मुझे ये कह रहे हैं आप उसी को सीधा करके कह दें कि ये तो कोई बुरी बात नहीं है कि ऐसे कह दो आप, आप तो और अच्छे बच्चे हो यानी आप, आपका अंदाज जो है ना वो किसी को या तो हौसला दिला देगा या किसी का हौसला तोड़ देगा माए क्या करती हैं वो किसी से मार खा के आते हैं ना बच्चे तो उनको और मारती हैं तुमने मार क्यों खाई वो अभी भी खा रहे आपसे एक्सक्यूज में आप, आप बैठ के बताए बेटे क्या करना होता है इस सिचुएशन में क्या करना होता है आपने अब आप अपने बच्चों को सिखाएं जो उनको आनी चाहिए चीजें कि कैसे अपना डिफेंस करना है यू नो यू नीड टू बी अ हेल्पर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन नॉट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम वी नीड टू थिंक अबाउट इट कि हमको प्रॉब्लम uh, का पार्ट नहीं बनना यानी प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं बनना हमने हमने सॉल्यूशंस देने हैं लोगों को हमको वो होना चाहिए कि कोई हमारे पास मुसीबत और गुंजल लेकर आए गुंजल किसको कहते हैं अम्म क्या कहते हैं गुंजल को जब धागे एक दूसरे के साथ टैंगल हो जाते हैं जब एक दूसरे के साथ गुच्छल हो जाते हैं तो क्या उसको सॉल्व करना अगर तो आप तोड़ दें तो तोड़ दें था दा धागा सीधा क्यों नहीं हो रहा और कोई लोग होते हैं आराम से उसकी गिरा को खोलते हैं एक गिरा खोली दूसरी गिरा खोली और धागा सीधा तो आप अपने आप को ऐसा बना लें कि कोई आपके साथ मुसीबत परेशानी लेकर आए आपके पास और आप उसको आराम से बैठ के एक नॉट को खोलें दूसरी नॉट को खोलें और सीधी हो जाए कितनी आसान बात थी आपका मसला हल हो गया कभी कभी किसी की बात सिर्फ सुन लेने से उसका मसला हल हो जाता है कभी कभी किसी एक्शन की जरूरत होती है कभी पैसे की जरूरत होती है तो आप अल्लाह तला से ये दुआ करें कि अल्लाह तला मुझे प्रॉब्लम सॉल्वर बना दे प्रॉब्लम क्रिएटर ना बना दे अपने हस्बैंड के लिए सोचें प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं बनना कि जैसे वो दरवाजे के अंदर आए इसकी शिकायत उसकी शिकायत ये मेरे पास नहीं वो मेरे पास नहीं है आपने इस ऐसी जिंदगी मुझे दी है बच्चों ने ये कर दिया वो आगे बाहर की परेशानियां लेके आदमी पता है औरतों को बताते नहीं है बाहर उनके काफी काफी चैलेंजेस um, होते हैं और ये भी सोचिए ना कि उन्होंने सारी जिंदगी कमाना होता है मैं तो सोचती तो मैं जाती हुँ। कहती हुँ। कहती हुँ। अगर कोई मुझे ये कहे कि मैंने सारी जिंदगी कमाना है और सारी जिंदगी है सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होल फैमिली शुक्र है अल्लाह तला ने हमारी औरतों के सर पर यह चीज नहीं डाली लेकिन वो आदमी इस चीज को लेते हैं और अल्लाह ताला ने उनके अंदर ये एक डाली हुई है अना कि वो खुशी से ये काम करते हैं तो फिर उनको खुशी से ये काम करने दें उनकी जिंदगी को मुश्किल ना बना दें इतनी मुश्किल ना क्रिएट करें कि वो अपनी रिस्पॉन्सि रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी मुश्किल समझने लग जाए फिर वो भी आपको आके बताएं कि मैं भी बड़ी मुश्किल में हूं तो इससे क्या मसले हल हो जाएंगे कि आप भी बता रही हैं और वो भी बता रहे हैं वो कह रहे हैं तुम तुम क्या करती हो सारा दिन घर बैठी रहती हो चाय का कप लेके और आप कही नो मैं तो ये भी काम करती हूँ मैं वो यहाँ से तो टसल शुरू होगी तो कभी जिंदगी भर नहीं खत्म तो होने वाली बल्कि आप एप्रिशिएट करें कि माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे तरीके से घर को संभाला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे आप खुशी के साथ करते हैं एक, एक नवाला जो आप हमारे मुंह में डालते हैं वो सदका लिखा जाता है अल्लाह अल्लाह क्या सिचुएशन चेंज होगी क्या सिचुएशन चेंज होएगी घर में सुकून नहीं आ जाएगा घरों के सुकून के ऊपर काम करें मेरी प्यारी बहनों हम पता है हदीस को ही पढ़ रहे होते हैं और मैं आपको कहीं ले जाती हूँ लेकिन ये मैं इसलिए करती हूँ कि घरों में इतनी बेचैनियां इतनी बेचैनियां और इस कदर फजूल मामलों पे इस कदर बेकार चीजों के ऊपर हम अपनी जहन को और अपनी दिल को तकलीफें देते हैं हक नहीं बनता हमारी जान बहुत कीमती है ये वक्त बहुत कीमती है एक एक मिनट का हिसाब देना है आगे जाके रामन एक एक हरफ है जो हमारे मुंह के से निकल रहा है तो हमें कितना कॉन्शियस होना चाहिए कितना कॉन्शियस होना चाहिए अपनी जिंदगी के मामले में कि किसी भी वक्त जिंदगी खत्म हो जाएगी किन बखेड़ों में पड़े हुए हम किन सोचों में अल्लाह हमारी सोच को दुरुस्त कर दे ये हदीस तो अभी खत्म नहीं हुई अभी हम अगली दफ़ा अच्छी से इसको डिस्कस करेंगे माशाल्लाह बहुत बो, बो, बहुत ही अभी तो हम बिन वकास की बात कर रहे थे तो टाइम के लिए अगर आप में से किसी ने कोई बात करनी है तो जब हम क्लास खत्म करेंगे तो इंशाल्लाह बात कर सकते हैं सुबह इलाहा इल्ला अंता रुका وأنا توب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته